नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का है। यदि मामला किसी खास चिन्हित जगह का हो तो उस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन यह पूरे देश का मसला है। लोग पर्व त्योहार मना रहे हैं, जनता दरबार में लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। यह पांचवा महीना है जब हम लोगों से मुख्यमंत्री जनता के दरबार कार्यक्रम में मिल रहे हैं। कोरोना के कारण सीमित लोगों से ही मिल पाते हैं। कोरोना को देखते हुए पर्व में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। जांच का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। 2 लाख से अधिक प्रतिदिन लोगों की जांच हो रही है। टीकाकरण भी बिहार में लगातार जारी है। छठ पूजा की तैयारी भी की जा रही है। पटना में गंगा घाटों का जायजा हमने एक दिन में लिया है, फिर एक दिन जाएंगे और देखेंगे कि तैयारी जितनी पूरी हुई है। पानी भी अभी घाट पर रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम नीतीश का बयान, मुझे इन मामलों पर कुछ नहीं कहना है। हम लोगों पर अनाप शनाप बोलने से पब्लिसिटी मिलती है, इसलिए बोलते हैं। पहले लोग क्या बोलते थे और आज चुनाव हो गया तब क्या बोल रहे हैं। मनरेगा योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, केंद्र सरकार को जो देना है वह पहले से तय है। जहां भी कमी होती है केंद्र से कहा जाता है, मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार ने बिहार के लिए जो तय किया है वह हमें मिलना चाहिए। बिहार में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, हमारी कोशिश है सब लोगों को लाभ मिले। शराबबंदी का सब लोगों ने संकल्प किया, विधानसभा और विधान परिषद से इस कानून को पारित कराया गया। गड़बड़ करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। शराब बुरी चीज़ है, यह मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। दुनिया भर से रिकॉर्ड आया है, दारू पीने से कितने लोगों की मौत हुई है। सरकार लोगों को सचेत कर रही है, इस पर सोचना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना के योगदान पर सीएम नीतीश ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, आखिरकार देश 2 टुकड़ों में बटा। बाबू को यह पसंद नहीं था, बाद में पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बट गया, यह अलग बात है। मुल्क बनाने में जिसकी भूमिका थी उसका संबंध तो उनके मुल्क से रहेगा ही। आज देश एक रहता तो और विकास होता, हमारा देश और आगे बढ़ता। देश का विभाजन होना कोई अच्छी बात नहीं। अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है, तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं। इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। नहीं, वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग कीमत है, वो तो आपको वो तो एक अलग चीज़ है। कहाँ किसकी कीमत होती है वो तो राज्य के चलते नहीं ना है। वो तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जो कीमत पहले से हो रही है उसी हिसाब से होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए और कोई बात नहीं। अब बाकी सब चलिए, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, सबकी बात सुनते रहते हैं, गौर करते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जब काम फिर से शुरू किया है तो आप लोगों ने उसमें भी रुचि दिखलाई है। लोगों की समस्याओं को देखते हैं ना कि अब प्रतिदिन तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब आने वालों की संख्या भी तो हम लोग तो अलाउ करते हैं कि 300 तक आए, तो बहुत लोग तो जिनका काम ही लगता है वहीं सॉल्व हो जाता है। तो जो भी आ पाते हैं सबकी बात हम लोग सुनते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं समस्या का हल हो। हम लोगों ने प्रयास पहले से भी रखा है कि लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जाएंगे। लोक शिकायत निवारण कानून बनाया और उसके हिसाब से भी काम किया, उस पर भी लोग करते हैं। लेकिन आपको पता ही है पहले भी कुछ साल जब हम इस काम को करने के बाद भी जब 1-2 साल अंत में लगा कि लोगों की इच्छा है कि भाई मिलना चाहिए, तो इस बार तो हमने घोषित कर ही दिया था कि जरूर मिलेंगे, मिलना शुरू कर दिया। तो आज तो अब आप देख ही रहे हैं कि अब पांचवा महीना है जबकि अब लोगों से मिल रहे हैं, हमने तो शुरू कर दिए। तो आप सब लोग आते भी हैं, तो अभी भी कोरोना का जो दौर है इसकी सीमा होती है। अब कुछ समय के बाद अगर इससे छुटकारा मिल जाएगा तो फिर जैसे पहले मिलते थे
तो उस तरह से, और जैसे आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में जो भी आने को इच्छुक होंगे आ पाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे तो घटा है, लेकिन अब इस बीच तो बहुत अलर्ट रहना है। और जान रहे हैं कि इस बार हम लोग COVID-19 को लेकर के अब ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवा रहे हैं, क्योंकि पर्व में तो आप जानते ही लोग आते हैं बाहर से, तो जो बाहर से आने वाले हैं सबका जांच हो, और अगर कोई का टीकाकरण नहीं हुआ तो टीकाकरण भी हम लोग करवा देंगे। पूरे तौर पर इसका प्रचार करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं हम लोग, ताकि कम से कम हो। लेकिन जो देख रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत आजकल आ रहा है, उसमें से अधिकांश बाहर से लोग जो आ रहे हैं ना, उसी में निकलता है। इसलिए हम लोग शुरू से इस बात को लेकर के बहुत सतर्क, तो ये सब काम तो हो ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि हमने कहा था कि 2 लाख तक कराओ, और अभी तो 2 लाख से भी ज़्यादा प्रतिदिन हम लोग जाँच करवा रहे हैं। और टीकाकरण के लिए भी तो पूरे तौर पर हो ही रहा है, और ख़ास ख़ास दिन जो हम लोगों ने किया, अभी जो 28 तारीख को बीता उस दिन, फिर अगले 7 तारीख को भी और बड़ी संख्या में करने का हम लोगों ने तय किया। तो ये सब तो हम लोग करते रहते हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ दिन के बाद अब हो जाना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन सतर्क और सचेत तो रहना ही पड़ेगा। लोगों को आते ही हैं, आना शुरू हो गया है। अब आप सब छठ में तो आते ही हैं, लेकिन उसके पहले ही से आना शुरू हो जाता है। अभी भी आने वालों की संख्या काफ़ी है, और इसलिए तो एक एक चीज़ का, चाहे ट्रेन से आए और बस से आए, जिस प्रकार से भी लोग आए, सब लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जांच करवा लें, हर इलाके में जांच करवा लें। इसलिए संख्या भी बहुत ज़्यादा, जैसा हमने बढ़ा दिया हम लोगों, ताकि किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो। और कोई बाहर से आते हैं, सबको तो नहीं रहता, लेकिन अगर कोई है तो उसको थोड़ा आइसोलेशन में वो रहे, दूसरा इससे कोई प्रभावित न हो। तो ये सब तो हम लोग किए, लेकिन हम लोगों ने दिया ही है। आप जानते ही हैं कि नहीं, इस बार कर सकते हैं पर्व त्यौहार। और आप जानते ही हैं, पटना में भी गांधी ये समूचा गंगा नदी के किनारे जा कर के तो हमने शुरू कर दिया था, हर जगह गांधी घाट से जा कर के सब जगह देख लिए। तो पूरे तौर पर तो हम लोग सतर्क हैं भी। अभी फिर एक दिन जाएंगे कि कितना तरहेज हो चुका, अब तो पानी घट रहा है, तो अब फिर देखेंगे भी हम लोग ये सब तो करेंगे। तो हम लोग का अब क्या करना है, सब में हमको कुछ बोलना है, जनता मालिक है। पहले क्या बोल रहे थे हम लोग, पहले कुछ बोल रहे थे, अब चुनाव हो गया तब क्या बोल रहे थे, इन लोगों की इच्छा है। और कुछ हम लोगों पर अनाप शनाप बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलती है, तो इसलिए बोलते रहता है। क्या है नहीं है, ये तो जनता मालिक है ना, वो तो जब उसका जन ये हो जाएगा काउंट, तो होने वाला ना, कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, जिसको जो मन में आता है करता है। और ये करना तो काम ही है कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन का, तो करता ही ना है पूरे तौर पर, भला उसमें कोई हस्तक्षेप है, सब तरह से उन्हीं का अधिकार है, पूरे तौर पर करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का तो बीच में कहीं से कुछ नहीं रहता कि पूरे तौर पर हो, ठीक ढंग से काम हो, तो सब तो करते ही रहते हैं। और जो भी कैंडिडेट होता है, जिसको कोई शिकायत या किसी को भी जनता को होती है, अपना शिकायत करते हैं, देखते हैं। लेकिन अब पूरे तौर पर कोई क्या बोलता है, हम तो देखने भी नहीं जाते, हम ध्यान भी नहीं देते, हम सब कोई मतलब है, जो भी होगा, जो हम बार बार कह देते हैं, जनता मालिक है, फैसला जो करेगी, उनको अधिकार है, तो हम लोग इस पर कुछ बोलते हैं। नहीं नहीं, इसके लिए कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, देखिए ना भाई, तो जो केंद्र सरकार को जो देना है, तो वो पहले से वो तय करते हैं, उस हिसाब से उनको देना है। और हम लोग तो इस पर काम करते ही रहते हैं, तो अगर जो भी कमी होती है उसके बारे में कहा जाता है कि इसको दे दीजिए, तो ये सब चीज़ तो बातचीत चलती रहती है। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो कुछ भी यहाँ के लिए तय करते हैं कि इतना हम लोग देंगे, तो मिलना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि इसके चलते काम बहुत होता है, और अभी तो इसकी एक समीक्षा हम करने ही वाले हैं कुछ दिन के बाद।
नहीं ऐसे क्या, जो कुछ भी पहले से बना हुआ तौर तरीका उसी के हिसाब से काम होता है, और हम तो इसकी समीक्षा भी करेंगे कि आखिर इसमें कितना प्रोग्रेस है, कितना हो रहा है। तो हम लोग तो एक एक चीज़ को देखते ही रहते हैं। अभी तो आप जानते ही हैं कि इसी पिछले महीने के अंतिम समय तक कितना दूर तक हम लोग जो फ्लड से अफेक्टेड लोग थे, एक एक चीज़ को देखना, और देखे इस पर तो कितना हुआ वर्षापात, और बाद में भी असर हुआ, तो उन सब लोगों को इसका लाभ मिले इसके लिए एक एक चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लोगों को काम मिले तो इसके लिए जो भी है मनरेगा का काम तो उसमें तो है ही, और फिर हम लोग उसके बारे में देखते भी हैं कि कहाँ कितना काम होगा तो देखेंगे, और उसके लिए हम अधिकारियों को कहेंगे कि जो कुछ भी बात हो वस्तु स्थिति से अवगत करा देंगे आप। देख लीजिए, अब सोच लीजिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ, और जरा सोच लीजिए विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ, सब ने संकल्प किया, और जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोगों ने संकल्प किया, और एक एक चीज़ निरंतर कंपेन चलता है, जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी हैं, एक दिन छोड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सब का काम है, वो एक एक तरह से करते हैं, और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से ना होगा, अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है, पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जरा सोच तो ले कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है, जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे, तो सोचना चाहिए ना, हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं, लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं, जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं होते, तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे भाई ये मत करिए, सबके हित में है, और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा, तो एक एक चीज़ पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा उस पर भी, और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज़्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज़ आपको मिलेगा, कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन जहाँ तक एक्शन का सवाल है आप जान लीजिए कि होता नहीं, और बीच बीच में तो आप जानते ही हम करते ही हैं, लेकिन इधर हमको ज़्यादा हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है COVID-19 पर, फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए और हमने विभाग को कह भी दिया कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए, और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ देखें, लेकिन एक्शन भी होता है, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसमें यूं भी बातचीत से और यदा कदा तो हम पूछते ही रहते हैं, लेकिन पूरी जिसको कहते हैं समीक्षा, एक एक दिन का जो रिपोर्ट आता है, हर चीज़ को देखना, इस पर जानकारी लेना, ये तो करते रहते हैं, और हम लोगों का है ही कि पूरे तौर पर सतर्क रहिए और एक्शन लीजिए, और हमारे यहाँ भी प्रशासन और पुलिस दोनों में बहुत लोग बहुत ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन ये दावा करना कि सब ठीक ही हो जाएगा, हम तो बराबर कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ होता ही, चाहे आदमी हो, सरकारी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति गड़बड़ करने की होती है, तो ऐसे कुछ लोग तो गड़बड़ करेंगे ही, लेकिन फिर तो पकड़ाते भी हैं, और पकड़ाते ही नहीं हैं, नौकरी से भी जाते हैं और जेल भी भेजे जाते हैं, चले जाते हैं, सजा भी होती है, और कितने लोगों को सजा मिली,
तो आप देख रहे हैं ना कि किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी चंद लोग तो गड़बड़ी करते हैं। तो हम तो सबसे आग्रह करें, क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं, ये तो अपने हित के खिलाफ है। तो इसलिए हम ये सब आरोप लगाने वाले हैं, पता नहीं कौन है, लेकिन सोचना चाहिए ना कि इसके लिए कितना एफर्ट किया जाता है। और चंद लोग तो गड़बड़ होंगे ही, ये तो तय बात है, ये दुनिया का आज का है। जितना दिन अपना इतिहास देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो शुरू कोई भी हर समय हर आदमी तो सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन की बात है। तो कुछ तो इधर उधर करने वाले होते हैं। लेकिन एक बात हम पुनः दोहरा करके ही कहेंगे कि मैक्सिमम लोग इसके पक्ष में, और आप जान लीजिए कि गरीब गुरबा तबके में जो दारू पीने में कर रहा था, परिवार में कितना झंझट था, महिलाएं कितने दुख में थी, सब कुछ था। तो अब ये बंद हुआ है, तो उसके बाद एकदम सब लोग अपने परिवार का ध्यान रखना, ये सब करना शुरू किया। लेकिन चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, अब पता चलने पर तो पकड़ाते ही हैं, सब तरह की बात हो। इसलिए हम तो सब लोगों से विनम्रतापूर्वक यही आग्रह करेंगे कि भाई सतर्क रहिए, ये गंदी चीज़ है, इसका सेवन मत करिए, ये बुरी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी फैलाने वाली ये चीज़ और दुनिया भर में ये बात आ गई है सामने, तो इस पर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जो यहाँ पर जो बात किया है, महिलाओं की मांग और जो बापू की इच्छा थी, पूरे देश में आज़ादी के दौरान ही वो कितनी बात करते थे, और कम से कम यहाँ तो हम लोग बिल्कुल भिड़े हुए हैं। लेकिन चंद लोग, चूँकि हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं, तो कुछ लोग तो मेरे बहुत खिलाफ हो जाते हैं ना, और इस पर अनाप शनाप बोलना, कई तरह की बातें करना, ये तो करते रहते हैं। तो खैर, हमको उसकी कोई चिंता नहीं होती है, लोगों के हित में ये काम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, यही हम लोग चाहते हैं। क्या ये सब के बारे में नाम ले रहे हैं, कोई आज़ादी के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है। अरे, आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बट गया, तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया, तो वहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे, कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बट गया, और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वही दो हिस्से में बट गया, पाकिस्तान भी दो हिस्से में बट गया, तो एक अलग चीज़ है। अब अलग हो गया, अब उसके लिए इस सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं। हाँ, लेकिन जो उस मुल्क को बनाने में जिनकी अपनी भूमिका थी, तो उस मुल्क में तो उनका अपना रहेगा ही सम्मान, तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब बातों पर अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। अरे, अपना देश है, अगर देश एक रहता तो और कितना आगे बढ़ता, ये कोई अच्छी बात थोड़ी हुई कि देश का विभाजन हुआ। अगर देश पुराने तौर पर ही एक ही रह जाता, अगर बापू की बात को ही सब लोग मान लेते, तो हम समझते हैं कि तो और आगे बढ़ता देश। चलिए, अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।